थाना दंडाहा पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले साथी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने लूट के 6 घंटे के अंदर ही अभियुक्तगणों को लूटा हुआ माल समेत तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में मौजूद इन लुटेरों का नाम रोहित उर्फ गब्बर, पुत्र प्रमोद यादव, गौतमपुर सैबीर उर्फ निवासीगढ़ जसवंतपुर तनाहर है और ये अभियुक्त पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले साथी गिरोह के सदस्य हैं। 4 जनवरी के दिन जनपद इलाहाबाद ग्राम रुद्रपुर थाना मऊ जो की अपने ट्रक संख्या UP70FT9037 से अपने कंडक्टर मोहम्मद साकिर पुत्र सादिक अली के साथ ट्रक से कुरौली से बालू लोड करके छत्तीसगढ़ जा रहे थे। जैसे ही पुरानी कीरतपुर पुलिस चौकी के पास पहुंचे तभी एक बुलेरो गाड़ी संख्या UP84AD86C2 में सवार 4 अज्ञात व्यक्तियों ने ट्रक को रोककर पीड़ित सोनू कुमार का पर्स, मोबाइल और नकदी अन्य कागज लूट लिए और भाग गए। बुलेरो गाड़ी पर पुलिस SOAPT लिखा हुआ था जिसकी जानकारी पीड़ित द्वारा थाने पर दी गई तो थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना से जवापुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। बाद पुलिस COCT अमर बहादुर सिंह की ओर से प्रेस वार्ता की गई। ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी। पुलिस ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, क्या पूरा मामला है? कल रात लगभग 9:30 बजे एक सूचना आई कि कुछ अज्ञात लुटेरों ने ट्रक रुकवा के ट्रक वालों से कुछ पैसे लूट लिए। इस सूचना पे तत्काल थाना दन्नाहार पुलिस एक्टिव हुई। हम लोग को सूचना मिली, सब लोग घटनास्थल पे पहुँचे। उन लोगों से पूछा गया कि कैसे लुटेरे थे, किस तरह की गाड़ी थी, तो उन्होंने बताया एक पुलिस की स्टिकर लगी हुई गाड़ी थी साहब, उसको SOAPT लिखा था। इस सूचना के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और अपने विश्वस्त सूत्रों से पता किया गया, तब पता चला कि एक गाड़ी यहाँ पर APT लिखी हुई घूमती है। गहराई से पता किया गया तो पता चला कि नहीं, ये गाड़ी जसवंतपुर में एक गाड़ी ऐसी रहती है, वहाँ गया, जिस गाड़ी के ड्राइवर को उठाया गया, उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नहीं साहब, हम लोग 4 लोग इस तरह का काम करते हैं और ये मेरी गाड़ी एंटी पावर थेफ्ट, एक विद्युत विभाग में इनकी गाड़ी लगी थी, प्राइवेट गाड़ी थी सरकारी अधिकारियों के साथ, तो दिन में वहाँ पे रहती थी और शाम को हम लोग ये करते थे और इससे अपने शौक पूरा करते थे। इस प्रकार पुलिस ने जांच पड़ताल की तो 4 नाम निकल के आए, जिसको तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने रात में ही 2 लोगों को पकड़ ली। पहला नाम है रोहित उर्फ गब्बर, जसवंतपुर का रहने वाला, इसके खिलाफ पूर्व में भी 62-72 के आबकारी अधिनियम के मुकदमे हैं तथा पहले भी बताया इसने कि हमने कई मोबाइल भी झपट्टा मारी है। दूसरा जो गाड़ी का चालक और मालिक है गौतम पुत्र सहवीर, ये भी जसवंतपुर का रहने वाला है, इसने भी बताया कि नहीं साहब, हम लोग ये करते थे अपने पर्सनल शौक को पूरा करने के लिए। 2 लोग अभी भी फरार हैं, जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक मैसेज है कि जो भी सरकारी अधिकारियों के पास ये गाड़ियाँ लगती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, तो इनका बड़ा जांच पड़ताल करके इसको रखी जाए और ये भी देखा जाए कि वहाँ से हटने के बाद कहीं इस गाड़ियों का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, इस पर सतर्क दृष्टि रखने की आवश्यकता है।